चलो हेडिंग बनाओ आज केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल। देखो आज जो हमें पहला रिएक्शन पढ़ना है जिसमें पढ़ना है, याद देख थोड़ी देर ध्यान दे, क्लीवेज किसका जी, OH बॉन्ड का, किसका OH बॉन्ड का, यानी यहां से ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ये वाला O और H के बीच का जो फेनॉल का जो O और H का बॉन्ड होगा वो टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसमें पहला रिएक्शन किसके साथ है जी, मेटल के साथ। सुने यहां, याद करो कभी भी एसिड के साथ अगर एक्टिव मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अगर फेनॉल को तुम सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल क्या हो गया मेरा, एक्टिव मेटल। अरे ग्रुप वन और ग्रुप टू का मेटल को क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल। तो इसके साथ जैसे रिएक्ट कराए, यहाँ देखना हमें क्या बनना चाहिए, साल्ट। यहाँ देख तो सब लोग, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एच, यहाँ देख ये वाला एच डिस्प्लेस हो गया तो एक हाइड्रोजन निकला, तो 1/2 H2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल गया। यहाँ पे बोलो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, माइनस। एच प्लस निकला तो कैसा चार्ज, माइनस। ये वाला सोडियम वहाँ जाके बैठेगा, यहाँ पे Na प्लस जाके बैठा, देखो तो क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड कहाँ से बना, फेनॉल से, कहाँ से बना, फेनॉल से। तो एकदम फेनॉल्स को जब सोडियम मेटल के साथ रख के तो जो साल्ट बना वो साल्ट क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड। सेम ऐसे ही अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ देखो यहाँ पे R पे माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस होगा। तो यहाँ पे आपका बना ये जो है, यहाँ देखो अल्कोहल से बना तो इसको बोलोगे सोडियम अल्कोक्साइड, क्या बोलोगे, सोडियम अल्कोक्साइड। और ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये क्या होगा, साल्ट। फिर से बोलो एसिड का रिएक्शन किसके साथ, एक्टिव मेटल के साथ, क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन। तो अल्कोहल और फेनॉल दोनों का रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ किए तो साल्ट बना। ये प्रूफ करता है कि अल्कोहल और फेनॉल दोनों कैसा होगा, एसिडिक, कैसा होगा, क्योंकि एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मेरा अल्कोहल फेनॉल के साथ भी निकला, यानी अल्कोहल फेनॉल भी मेरा कैसा होगा, एसिडिक, कैसा होगा, एसिडिक। उतारी बताते हैं, चलो यहां देखो क्या हम बोले, प्रोडक्शन किसका, हाइड्रोजन गैस का, क्या इंडिकेट करता है बोलो, एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर किसका, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिडिक नेचर का है, कौन, फिनॉल और ईथर। ये आपका एसिडिक नेचर का है, कौन, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल और फिनॉल, कौन है जी, अल्कोहल और फिनॉल। कहता है इसमें अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये जो फिनॉल है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक पाया गया है। फिनॉल क्या पाया गया जी, ज्यादा एसिडिक, किससे, अल्कोहल से। कहता है क्यों, क्योंकि कहता है ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, सिंपल बेस के साथ, किसके साथ, सिंपल बेस के साथ। यहाँ देख ये मेरा फेनॉल है, इसको सिंपल बेस जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करा दोगे तो यहाँ भी क्या बना लेगा, O पे माइनस और Na पे प्लस। यहाँ देख यहाँ का H और यहाँ का OH निकल गया, क्या निकल गया, H2O। तो ये क्या बन गया मेरा, सोडियम फेनॉक्साइड क्या बन गया, साल्ट, और क्या निकल गया, वाटर। तो सिंपल सा देखो तो कह सकते हो एसिड बेस से रिएक्ट किया, क्या बना, साल्ट और वाटर। बोलो ये कौन सा साल्ट है, ये वाला कौन सा है जी, सोडियम फेनॉक्साइड, ना जगह नहीं है, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, सोडियम फेनॉक्साइड। अरे है तो क्या मिला, यहां देख ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये केवल कौन देगा, फेनॉल देगा, अल्कोहल नहीं देगा। फिर सुनना ये रिएक्शन केवल कौन देगा, फेनॉल। क्यों मिला, क्योंकि मिला क्या, फेनॉल मेरा क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, अल्कोहल से। तो ज्यादा एसिडिक होने के कारण ये सिंपल बेस जैसे कौन, स्ट्रांग बेस है कौन, NaOH, उससे भी रिएक्ट कर सकता है, जबकि अल्कोहल इससे रिएक्ट नहीं करता, केवल कौन रिएक्ट करता है, फेनॉल। क्या निकलता है, अरे बोलना, एसिड बेस रिएक्शन पे क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो ये वाला रिएक्शन केवल कौन दिया, फेनॉल, क्योंकि फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा। क्यों होता है वो बताते हैं, यहां देख एसिडिक नेचर किसका, बोलना, फेनॉल या अल्कोहल, जो भी है, रीजन क्या है, सुनना,
ये जो फिनॉल और अल्कोहल का जो एसिडिक रीजन है, एसिड होने का मतलब क्या है? H प्लस देना, क्या देना? H प्लस देना। सुनना, अगर H प्लस तभी कोई देगा यहां देख, जब ये वाला हाइड्रोजन पे, यहां देखना, ये वाला हाइड्रोजन पे चार्ज जितना ज्यादा डेवलप करेगा प्लस वाला, आपको पता है ऑक्सीजन का ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा, कौन सा ताकत? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना ज्यादा खींचेगा, बोलो यहां माइनस तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। अगर यहां पे प्लस चार्ज हो गया तो सिंपल सा चीज है, बोलो ये वाला आपका H प्लस ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, अरे क्या होगा? H प्लस आपका ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। तो ये H प्लस जितना ज्यादा निकलेगा, यहां देखो ज्यादा H प्लस कब देगा? जब OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, सिंपल सी बात है, यानी ये OH बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिड किसको बोलते हैं? एच प्लस देने वाला। एच प्लस कब देगा? जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब आएगा? जब वो ज्यादा क्या होगा? पोलर। ज्यादा क्या होगा? पोलर। ठीक है, बताते हैं कैसे पोलर होता है। यहां देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, यहां देखना, अब समझना, जहां अगर नहीं समझ में आए बोलना, हम फिर से बता देंगे, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे आपको पता है, यहां देख ये जो R ग्रुप होता है, ये R ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, अल्काइल ग्रुप। प्लस I ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहां पे कितना है? तीन। यहां पे बोलो कितना है? दो। यहां पे कितना है? एक वाला ग्रुप, और यहां कोई नहीं है। यानी जब इधर से इधर जा रहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां देख, तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो यहां पे माइनस चार्ज कम आएगा। अरे माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। तो यहां माइनस कम जमा होगा, तो यानी कि यहां देखो, यहां पोलैरिटी सबसे कम होगा, क्योंकि क्या है, इधर से इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन देने वाला बढ़ रहा है। यहां देख, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा। यहां पे माइनस चार्ज क्या आएगा? कम। यानी क्या होगा? यहां पे बोलो पोलैरिटी ऑफ ये जो OH बॉन्ड है, ये क्या होगा? कम। लिस्ट चाहे पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा? घटेगा। जितना कम पोलर होगा, बोलो ये H प्लस देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम। यानी इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। बोलो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? बोलते जा। ये मेरा कौन था? वाटर। ये मेरा कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। अरे ये कौन है? ये बोल, ये ओए जहां टेस्ट है, ये कौन है? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये कौन है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो एकदम याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक पानी, पानी से कम कौन? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री से कम 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कम 3 डिग्री। क्यों? समझना मेरी बात को। अभी देख, यहां क्या बोले थे? एसिड किसको बोलते हो? बोलो एच प्लस देने वाला। एसिड किसको बोलते हो? तो H प्लस कब देगा? यहां देखो, यहां ध्यान देना। जब ऑक्सीजन पे जितना ज्यादा माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इधर आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस सबसे कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उल्टा यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो देने वाला है। यहां देख, इधर से माइनस आ रहा है, तो इधर से माइनस को आने नहीं देगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा इस कार्बन पे, बोलो इसका पोलराइजेशन कम होगा। और होगा पोलराइजेशन कम होगा तो H प्लस कम निकलेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो किसका? बोलते जा। सबसे ज्यादा कौन? वाटर। वाटर के बाद 1 डिग्री अल्कोहल। अरे होगा। अब यहां देखो, यहां पे और भी मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर लिया, यहां 1 डिग्री 2 डिग्री बता दिए थे। ये बोलो ये क्या है? मेरा अल्काइन। अरे क्या है? रुक जा एक मिनट, यहां पे देख अल्काइन कहां पे है? अल्काइन उस, यहां देखो ये जो हाइड्रोजन है वो ये वाला कार्बन, कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे लास्ट में है, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं? याद रखना, ये एसिडिक होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है कैसा हो जाता है? एसिडिक। उसके बाद बोलो अमोनिया। कौन है जी? अमोनिया। और सबसे लास्ट में कौन? मीथेन। सबसे लास्ट में कौन? मीथेन, या अल्केन कह सकते हो। फिर से बोलो, ये वाला जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं सब एनसीईआरटी का ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि पूछेगा तो यही ऑर्डर पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बोलो ये इधर सबसे सबसे ज्यादा कौन? वाटर। तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। इधर आ जाओ, वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्काइन। कैसा अल्काइन? टर्मिनल वाला।
क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ देख, ये भी देख ले, सुनो एक मिनट, रुक जाना थोड़ी देर, रुक जाना रुक जाना, यहाँ देख। आपको पता होगा कि जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन पे आता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन पे आता है तो सिंपल सा चीज जानते होगे, ट्रिपल बॉन्ड आने पे यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन बोलो एसपी, एसपी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, याद है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बोलो यहां माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया एसिडिक। तो याद रखना टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है कैसा होता है एसिडिक। तो ये वाला ऑर्डर याद कर, सबसे ज्यादा कौन, वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्काइन, उसके बाद अमोनिया और तब मीथेन या अल्केन कह सकते। इसके केस में एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है यहां देखना, अभी अभी क्या पढ़े, पानी जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से, किससे, लेकिन एक अल्कोहल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, वो है मिथाइल अल्कोहल, कौन, फिर सुन लो क्या बोलो, एक एक्सेप्शन है, क्या बोले, अभी तक जो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं, इस ट्रेंड में क्या पढ़ रहे हैं, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, नो डाउट होता है, बट एक अल्कोहल पाया गया है जो ज्यादा एसिडिक है किससे, पानी से, कौन सा, मिथाइल अल्कोहल, कौन सा, मिथाइल, लिखो उसको। जनरली वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये एक एक्सेप्शन है, मतलब यहां जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मिला, बोलो किसका ज्यादा हो गया, आपका मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक पाया गया किससे, पानी से, जबकि पानी ज्यादा एसिडिक था सारे अल्कोहल से, केवल ये एक एक्सेप्शन है जिसमें मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है किससे, वाटर से। चलो यहां देखो, अब हेडिंग बनाओ एसिडिटी ऑफ फेनॉल। एसिडिटी किसका जी, फेनॉल का, एसिडिटी ऑफ फेनॉल, समझना इसको, एसिडिटी ऑफ फेनॉल, देखना अभी अभी आपको मिला था कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है किस किससे, बोलना अल्कोहल से, ये ज्यादा एसिडिक पाया गया है किससे, अल्कोहल से, किस कारण से, तो ये देखो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन आयन होता है, बोलना फेनोक्साइड आयन, कौन आयन, फेनोक्साइड आयन, कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कैसा हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देखना कैसे, यहाँ देखो ये फेनॉल है, यहां से तुम H प्लस निकाल दोगे, एसिड होने के लिए क्या देना होगा, H प्लस, एसिडिक नेचर वही शो करेगा ना, यहाँ देखो तो ये क्या बना आपका, बोलना फेनोक्साइड आयन, सुनना कॉपी पेन छोड़, यहाँ देख सब लोग, यहाँ देख बोर्ड पे देख, यहाँ पे क्या है अनायन और यहाँ क्या है पाई, यहाँ ध्यान देना थोड़ी देर देख ले, ये है अनायन और ये कौन है पाई, आपको पता है यहाँ क्या होगा, अनायन पाई कंजुगेशन, अरे होगा अनायन पाई कंजुगेशन होगा, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अनायन पाई कंजुगेशन हो के कारण देखना, यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो ये वाला पाई यहाँ टूट के आएगा, अरे होगा, फिर ये अगर माइनस होगा तो ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ माइनस आएगा तो फिर ये पाई यहाँ आ जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव के कारण सारा का सारा पाई बॉन्ड कहाँ गया, रेजोनेंस में, कौन सा रेजोनेंस हुआ, तो जिसके कारण ये जो आपका ये वाला जो था कौन, फेनोक्साइड आयन, ये कैसा हो गया आपका, बोलो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कैसा हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और अगर ये मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनोक्साइड आयन है तो सिंपल कहोगे कोई भी चीज अगर स्टेबल बनता है तो अगर स्टेबल अगर आपका कंजुगेट बेस होगा तो ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, एच प्लस, अरे देगा, जितना ज्यादा एच प्लस देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा,
लेकिन जब ऐसा अल्कोहल में देखा गया तो अल्कोहल में देखा गया जो अल्कोक्साइड आयन होता है यहाँ पे वैसा कोई कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन, यहाँ पे कोई रेजोनेंस है ही नहीं। तो कोई रेजोनेंस नहीं है तो बोलो ये वाला कैसा होगा, लेस स्टेबल। अरे कैसा होगा, और ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये आपका पाया गया मोर स्टेबल और ये क्या पाया गया, लेस स्टेबल। समझ में आया, फिर से बोलो एक बार क्या हुआ। हम आपको बोले, समझना थोड़ी देर, यहां देख, जैसे इसको रिवर्सिबल साइन से देखो, वीक एसिड होता है, ये एसिड है, याद कर H प्लस निकाल देने से क्या बनता था, कंजुगेट बेस। अरे कुछ याद है, एसिड में से H प्लस निकाल देते थे क्या बनता था, कंजुगेट बेस। अगर मेरा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो बोलो यहां रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और किधर जाएगा, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, H प्लस। तो यहां क्या मिला बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज, मोर स्टेबल कौन, फेनोक्साइड एन। जबकि अल्कोहल के केस में अल्कोक्साइड आयन में वैसा कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, तो ये वाला ज्यादा बनेगा, ये आगे की ओर ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा तो H प्लस ज्यादा देगा, तो इसका एसिडिकेशन क्या होगा, ज्यादा, किससे, अल्कोहल से। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 12th के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 12th के लिए। फिर सुनना, व्हाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन। क्या लिखोगे, फेनॉल जब H प्लस दे दिया तो क्या बनाया, फेनोक्साइड आयन, अल्कोहल H प्लस दिया क्या बनाया, अल्कोक्साइड आयन, ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, जबकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये चूंकि ज्यादा H ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा H प्लस देगा, तो क्या मिला, ज्यादा एसिडिक। अरे लिख सकते हो ना, बस वही लाइन लिखना है क्या, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन, फेनोक्साइड आयन। इसको दिखा दो, मिल दे देगा पूरा मार्क्स, मेंशन करो, एडिंग बनाई, स्टेरिफिकेशन, इस्टर का बनना, स्टेरिफिकेशन, इस्टर का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इस्टर टेक्स प्लेस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ 3 चीज के साथ। अभी तक केवल आप लोग एक चीज पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहां पे आएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड is called esterification। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टर का बनना, esterification। बोलो ईस्टर किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी अल्कोहल किसके किसके साथ, बोलिए यहां देख के बोल, अल्कोहल किसके किसके साथ, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, इन 3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा, इस्टर। और इसी दौरान जो इस्टर बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। ध्यान देना, जैसे यहां देखो, हमने लिया, यहां देखना R C डबल बॉन्ड O O H, बोलो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ हमने ले लिया इसे H O R, ये क्या ले लिया, अल्कोहल, क्या ले लिया जी, अल्कोहल। मान लो यहाँ पे R डैश ले लेते, अल्काइल ग्रुप बदल देते हैं। सुनना सुनना मेरे से पहले अच्छे से सुनना, हमने आपको बताया कि यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा, एक होगा जो इसको आगे ले जाएगा तो इस्टर बनाएगा, क्या करेगा, इस्टर बनाएगा, और एक होगा जो उसको रिवर्स लाएगा। रुक जाना अभी, रुक जाना यहाँ, तो
लोग सोचता क्या है कि एसिड है तो एसिड एच प्लस देगा, एसिड क्या देगा एच प्लस, ठीक है। लेकिन याद रखना इस्टर बनने के केस में एसिड से निकलता है OH, छोटा छोटा चीज है, मैकेनिज्म देखोगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से निकलता है OH और यहां से अल्कोहल से निकलता है H, अल्कोहल से क्या निकला H और यहां से क्या निकला OH, तो बोलो H और OH निकला तो क्या बन जाएगा यहां पे H2O। बोलना यहां से क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O, ये तो OH निकल गया, ये OR जाके वहां बैठेगा OR डैश, ये बन गया आपका इस्टर, क्या बन गया इस्टर। इस्टर का बनना इसी को बोलो, हमने क्या बोला स्टेरिफिकेशन, क्या बोला स्टेरिफिकेशन, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स, यहां बोलो इस्टर को पानी में डाल दिए, अरे है तो इस्टर टूट गया, फिर इस्टर टूट के क्या बन गया अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। तो इस्टर अगर पानी में घुल गया क्या बोलोगे हाइड्रोलिसिस, अरे क्या बोलोगे इसका रिवर्स प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर। ये पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया है ये कैसा प्रोसेस है, तो ये एक दूसरे का रिवर्स है, स्टेरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अरे है उधर इस्टर बन रहा था और इधर क्या हो रहा है इस्टर का घुल रहा है, इस्टर पानी में जाके घुल रहा है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या हो रहा है इस्टर। फिर से बोलना इस्टर कैसे बना, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, अरे बोलना ये चीज याद होना चाहिए दिमाग में सेट कर जाना चाहिए, एसिड का रिएक्शन किसके साथ अल्कोहल के साथ, क्या बन गया इस्टर, इस्टर का बनना स्टेरिफिकेशन, या कहो कि इस्टर को हम पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा, तो घुलने को क्या बोलोगे हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर और स्टेरिफिकेशन कैसा प्रोसेस रिवर्स, कैसा प्रोसेस रिवर्स करो। एसिड एनहाइड्राइड कभी सिखाई थी, एनहाइड्राइड मतलब सूखा हुआ, याद है दो एसिड जब जुड़ता था बीच से पानी निकल जाता था उसको क्या बोलते थे एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोलते थे। दूसरा रिएक्शन उसी के साथ होगा, तीसरा किसके साथ होगा एसिड क्लोराइड के साथ। तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। सुनना एसिड एनहाइड्राइड का भी रिएक्शन किसके साथ अल्कोहल के साथ, ठीक है ऐसे ही ले लेते हैं एक अल्कोहल। यहां भी हमें इस्टर बनाना है, सुनना एक मिनट, यहां भी इस्टर बनाना है ध्यान देना। हमने क्या बोला यहां से क्या निकलेगा H, क्या निकलेगा H, ध्यान देना इसको यहां से तोड़ना, ये वाला हिस्सा निकालो, पहले इसी को तोड़ के निकालो, पहले इसी को तोड़ के निकालो, पहले इसी को तोड़ के निकालो, यहां से बोलो देखे R C डबल बॉन्ड O और यहां पे O और ये H, बोलो ये क्या बन गया, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो तो यहां से क्या बचा R C डबल बॉन्ड O और यहां से O R डैश, देखो तो ऐसा ही कुछ बना, क्या बना एस्टर, क्या बना एस्टर, टेंशन गए। देखो ये है आपका इस्टर R C डबल बॉन्ड O O R डैश, सॉरी ये एसिड एनहाइड्राइड ले लो, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, ठीक है दूसरा वाले का ट्रिक बता रहे। और दूसरा इधर से कौन था जी अल्कोहल, कौन था अल्कोहल, इधर ले लो R डैश O और H, ध्यान देना यहां से हम इसको यहां से तोड़ो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, बोलो तो इसको अलग करो तो R C डबल बॉन्ड O O R, अरे बना इधर अलग करो R C डबल बॉन्ड O और O H, बोलो ये क्या बन गया एसिड और ये इस्टर। इसका याद करने का तरीका समझ में आया, यहां देख यहां का बॉन्ड क्लीव करना था और इसके साथ को जोड़ना था ओ आर, इसके साथ ओ आर गया तो क्या बन गया इस्टर और इसके साथ एच गया तो ये क्या बन गया एसिड। ये था मेरा इस्टर और ये था मेरा एसिड, इसको भी दिखा दो,
इसी रिएक्शन को याद करने के लिए हमने इस तरह से लिख दिया। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और मान लो सी एल, तो ये कौन है मेरा एसिड क्लोराइड, इसका रिएक्शन एच ओ आर डैश, ये कौन है मेरा अल्कोहल। अभी अभी सिखाए थे अल्कोहल का क्या निकलेगा एच, क्या निकलेगा जी एच, तो अल्कोहल का एच निकलेगा और यहां से क्या निकला सी एल। ये रिएक्शन जब भी होता है तो याद रखना ये इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है पाइरिडीन में, पाइरिडीन एक तरह का बेस है, लेविस बेस होता है, नाइट्रोजन वहां लोन पेयर देता है। तो देखो तो ये बेस और यहां से क्या निकल रहा है एसिड, और ये क्या निकल रहा है एसिड, तो ये मेरा क्या बना आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां ओ आर डैश, क्या बन गया इस्टर। ये रिएक्शन रिवर्स कभी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है यहां देख, ये कौन था बेस और यहां कौन बना एसिड, एसिड बेस से क्या करेगा न्यूट्रलाइज करके कुछ साल्ट बना देगा, तो अब ये बचेगा ही नहीं प्रोडक्ट में, तो ये क्या कभी रिवर्स होगा, ये वाला रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। तो यहां पे ये वाला जो इस्टर बनता है थोड़ा सा ज्यादा प्योर बनता है, ज्यादा प्योरिटी के साथ बनता है, तो क्या कहोगे ये एसिड रिएक्ट्स विथ पाइरिडीन बेस, पाइरिडीन बेस ये रिएक्ट करता है किसके साथ पाइरिडीन बेस के साथ और सिस्टम से बाहर हो जाता है, तो ये वाला रिएक्शन कैसा होता है इरिवर्सिबल, कैसा होता है ये वापस नहीं लौटता। जल्दी मेंशन कर, छोटा सा चीज था। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप या असाइल ग्रुप कह सकते हो। एसिटाइल ग्रुप समझता है, इसको बोलते हैं COCH3, इसी को बोलते हैं एसिटाइल कह लो या इसी को असाइल भी कहते हैं, असाइल ग्रुप भी कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप या असाइल ग्रुप। तो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ अल्कोहल एंड फिनॉल कॉल्ड एसिटाइलेशन, कॉल्ड एसिटाइलेशन विच फॉर्म्स एस्पिरिन। तो सही से लिखना, जो एस्पिरिन बनाता है क्या होता है बताते हैं एस्पिरिन। अच्छा एक मिनट, ये वाला नहीं लिखना एस्पिरिन वाला, वो सैलिसैलिक एसिड के साथ, सॉरी कॉल्ड एसिटाइलेशन, यहीं तक केवल, इसको आगे लिखो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसैलिक एसिड फॉर्म्स, ये बनाता है एस्पिरिन। इसको एकदम याद रखिएगा कि एस्पिरिन बनता कैसे, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। बताते हैं जल्दी कर समझाते हैं सब, लिखो तो सही कम से कम।
कभी हम आपको सिखाए थे सैलिसैलिक एसिड, वो नोमेनक्लेचर में कभी किसी को याद है व्हाट इज सैलिसैलिक एसिड? सुनो, रुक जा थोड़ी देर, नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहां ध्यान दे। सैलिसैलिक एसिड इसको बोलते हैं, बेंजीन पे COH लगा दो तो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और यहां OH लगा दो, दिस इज कॉल्ड सैलिसैलिक एसिड। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहले जानिए कहते किसको हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड, सुनना एक मिनट, अब इस पे हमें क्या करना है, एसिटाइल ग्रुप लाना है, कौन लाना है, एसिटाइल ग्रुप, इसका रिएक्शन करा दो इसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, कौन एनहाइड्राइड ले रहे हैं, मतलब एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिड का ही है, कौन सा एसिड का है, एसिटिक एसिड का, अरे किसका है, अब गौर से देख क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाला एसिटाइल ग्रुप कौन सा, ये वाला एसिटाइल ग्रुप, चाहे ऐसे देखो, रुक जाना एक मिनट थोड़ा सा, ये COCH3 ग्रुप यहां पे जोड़ो और इसको पूरा का पूरा यहां से निकाल दो, H से लेकर के यहां तक इसको निकाल के बाहर करो, क्योंकि हमें जोड़ना केवल ये था ना, अरे किसको जोड़ना था, एसिटाइल ग्रुप को, किसको जोड़ना था, तो ये केवल COCH3 ग्रुप वहां जुड़ेगा, देख तो वहां आपका क्या बनेगा, ये वाला बेंजीन था, बेंजीन पे कौन लगा हुआ था बोलो, COOH, और यहां पे कौन लग गया, O, और बोलो यहां पे कौन, COCH3, कौन लग गया, COCH3, ये कुछ लगा, अरे लगा ना, COCH3, ठीक है, और यहां से निकला कौन, CH3, C डबल बॉन्ड O और लास्ट में OH, यही जो बनता है इसी को बोलते हैं एस्पिरिन, यह है आपका एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन में आप खाते हो, कौन सा, रे थोड़ा दे ध्यान दे, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, ये क्या है आपका एस्प्रिन, यही जो एस्प्रिन बना, इसका डायरेक्ट पूछता है बनता कैसे, तो फिर से बोल दे कैसे बनता है, सैलिसैलिक एसिड का क्या कराए, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड एनहाइड्राइड, क्या बन गया आपका एस्प्रिन, और निकल गया एसिडिक एसिड, उससे हमको कोई मतलब, मेन क्या बना, एस्प्रिन, मेंशन कर, इसका नाम पूछे हुए, इसका एस्पिरिन कहते किसको, सिंपल सा जो बोलो, यहां पे इस पोजीशन पे कौन जुड़ गया, एसिटाइल, अरे कौन जुड़ा, एसिटाइल, तो ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ा कहां पे, सैलिसैलिक एसिड पे, कहां पे, नाम पड़ेगा एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, पता नहीं कितनी बार पूछा है कि एस्पिरिन का नाम बताओ, तो एस्पिरिन का नाम बोलो एसिटाइल या ऑर्थो एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड, सुनना यहां, ये एक तरह का एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक समझते हैं, अरे एनाल्जेसिक नहीं समझता है, एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर, अरे सर में दर्द होता है तो डिस्प्रिन खा लेते हो या कोई पैरासीटामोल खा लेते हो, उस जिसमें भी एस्पिरिन रहता है क्या रहता है, एनाल्जेसिक, वो पेन किलर है, मेंशन कीजिए, ये जो पेन किलर होता है डिस्प्रिन बड़ा अच्छा काम करता है, किसके साथ, मतलब जिन लोगों को ब्लड का थिनिंग का जरूरत हो, जैसे हार्ट अटैक जिसको आता है उसके हमेशा देखोगे पॉकेट में कहता है डॉक्टर ये रखने के लिए डिस्प्रिन की दवा, कि कभी अगर पेन हो तो खा लीजिए, कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंच जाइएगा। हेडिंग बनाए, आगे बढ़े, देखो हमें भी आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, लेकिन क्या बोलो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इन्वॉल्विंग क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड,
मतलब यहां देख, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा किसका, अल्कोहल और फेनॉल का। अब इसका रिएक्शन पढ़ना है, जो अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन यानी सी ओ एच बॉन्ड का तोड़ना है, सी ओ बॉन्ड तोड़ना। अभी कौन तोड़ रहे थे, ओ एच बॉन्ड, कौन सा तोड़ रहे थे, ओ एच बॉन्ड। अभी कौन सा तोड़ना है, सी और ओ बॉन्ड। इधर 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 इसमें पहला रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एच एक्स। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, याद है। जैसे मान लो कोई एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन अगर हम एस सी एल से करा दें, किसे करा दें, एस सी एल से, तो देख तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला निकल जाएगा, कौन बोलना, एच टू ओ। एच टू ओ जैसे ही निकला, यहाँ से आपका एच टू ओ निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अरे क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, याद है। अरे ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, SN1 SN2 इसी में पढ़े थे, HI के साथ, याद है। और उसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको बताए थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन, HI, उसके बाद SBR, तब HCl और तब HF। HCl का रिएक्टिविटी कम था तो HCl को किसके साथ रिएक्ट कराते थे, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। इन कॉम्बिनेशन को क्या बोले थे, ल्यूकास रिएजेंट, क्या बोले थे, तो ही बोल तो, ए ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किसका टेस्ट है, बोलने दो बोलने दो, ल्यूकास रिएजेंट किसका टेस्ट है, किसका टेस्ट है, अल्कोहल का। अल्कोहल कितनी तरह का, तीन, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री। थ्री डिग्री तुरंत देता था, टू डिग्री 10 से 15 मिनट, और वन डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता था, हल्का सा हीट करने पे क्या होता था, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ गया तो कैसा होगा, वन डिग्री अल्कोहल, यही था ना। चल इसको मेंशन कर, थोड़ा सा बताना है इसमें। रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, HI, याद आया, HI के बाद HBR, HBR के बाद HCl के बाद HF। आपको याद होगा, ये इसलिए होता था कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हैलोजन का साइज जितना ज्यादा होगा, बोलो बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ HX, बॉन्ड लेंथ ऑफ HX क्या होगा, ज्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, जितना जल्दी जल्दी टूटेगा तो उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑफ HX जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, HI, तब HBR, तब HCl और तब HF। बोलो अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता था कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता था, रिएक्टिविटी धीरे धीरे घटता चला जाता था। इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करने के लिए क्या करते थे, एक कैटलिस्ट यूज करते थे, कैटलिस्ट का नाम बोलो, एनहाइड्रस ZnCl2। उसके साथ जब HCl मिक्स करते थे, इस कॉम्बिनेशन का नाम बोलो, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट किसका टेस्ट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। सब कुछ पढ़ा चुके हैं, NCERT में ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट यहीं पर लिखा हुआ है, जल्दी करो। इसके बाद है दूसरा, रिएक्शन विथ PX3। अब PX3 आपका PCl3 भी हो सकता है या PBr3 भी हो सकता है, या देखो अल्कोहल ले लो और यहां ले लो आप PCl3। सुनना, हम आपको क्या सिखाए थे, यहां देखना ये कितना है, तीन। तो एक काम करो, यहां तीन ले लो, अल्कोहल कितना ले लिए, 3 मोल, बस यही याद रखना है, कितना ले लिए, 3 मोल। अब 3 मोल ले लिए, इसको PCl3 के साथ रिएक्ट करा, रुको एक मिनट, यहां देख यहां से सारा का OH हटा के Cl बैठा दे, बोलो क्या बन जाएगा, 3RCl। अरे बना, कितना मोल बन गया, 3 मोल। अब यहां से देख, यहां से जो निकला
ऊपर से देख, यहां से कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन एस थ्री, कितना ऑक्सीजन तीन, और एक फास्फोरस एस थ्री पी ओ थ्री, यही जानने की कोशिश करें। तो बोल पीछे नहीं याद बताएं, याद है फास्फोरस एसिड बनता था। अरे वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, जल्दी करो। इसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O, अरे हाइड्रेशन मतलब एडिशन, और डिहाइड्रेशन मतलब वहां से पानी को निकाल देना। यहां देख जैसे मान लो कोई भी एक अल्कोहल है, मान लो इस तरह से कार्बन लंबा चौड़ा अटैच रहेगा, इसको सिंपल क्या करो, यहां देख कंसंट्रेटेड HCl में डाल दो, तो कंसंट्रेटेड चाहे कंसंट्रेटेड एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, एसिड ले लो H2SO4 H3PO4 कोई भी, कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, और हल्का सा हीट कर दो। तो हल्का सा हीट करो, यहां देख यहां पे OH है और यहां पे कौन है H, जैसे ही हीट करोगे एसिड के केस में, तो याद रखना एसिड जो होता है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है डिहाइड्रेटिंग, मतलब ये यहां से क्या करेगा पानी को निकाल दिया, तो जैसे ही यहां से पानी निकाल दिया तो गौर से देख ये वाला जैसे ही निकल गया HCC, यहां दो बॉन्ड यहां दो बॉन्ड, बोलो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है चार, तो यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, बोलो क्या बन गया अल्कीन, क्या बन गया अल्कीन, यानी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है अल्कीन। कैसे डिहाइड्रेशन कराते हैं बोलो, कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में क्या करो हल्का सा हीट दे दो, पानी निकल जाएगा आपका, क्या बन जाएगा अल्कीन। अब आपका अल्कोहल कितने तरह का, तीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीन ही अल्कोहल है, बताते हैं तीनों रिएक्शन, मेंशन करो इसको।